नमस्कार, मैं टीना जैन और आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। आज की भाई ने ही की थी सगे भाई की गोली मारकर हत्या, बीमा की राशि और पैतृक जमीन हड़पने के लिए की हत्या। 3 दिन पहले बटियागढ़ बक्सवाहा बीच जंगल में मिली थी लाश। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी चढ़ाई के जंगल में 3 दिन पहले लहूलुहान हालत में एक युवक का शव मिला था। शव की पहचान सुरेंद्र सिंह पिता मुकुंद सिंह निवासी आगरा की टपरिया के रूप में हुई थी। पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंच कर सूक्ष्मता से जाँच करते हुए पाया था कि युवक की गोली मार कर हत्या की गई है। SP राकेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच परीक्षण के बाद अज्ञात आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। वही मामले की जांच के दौरान पुलिस को मिले साक्ष्य और मृतक के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर मृतक के छोटे भाई वीरेंद्र पर संदेह होने पर उससे पूछताछ की गई, जिस पर वीरेंद्र के द्वारा अपने साथी भान सिंह के साथ मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या करना स्वीकार किया गया है। वही आरोपी वीरेंद्र ने बताया कि उसका बड़ा भाई सुरेंद्र शराब और गांजे के नशे का आदि था और आए दिन घर पर नशे के में विवाद करता था और इसके कारण वह कर्ज में डूब गया था, जिससे उसने योजना बनाकर अपने बड़े भाई सुरेंद्र से एवं भाभी का बीमा करा दिया था, जिसकी वह किस्त भर रहा था और भाई की हत्या करने के बाद बीमा के लाखों रुपए की राशि एवं पैतृक जमीन उसे मिल जाएगी। मामले का खुलासा करते हुए SP ने जानकारी दी। घटनाक्रम यह है कि दिनांक 24 को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की लाश जो है बटियागढ़ से आगे जाने पर लगभग एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में पड़ी हुई। मौके पर जब देखा गया तो उक्त लाश जो है सुरेंद्र सिंह की थी, जिसकी गुमसुदगी एक दिन पहले दर्ज कराई गई थी। वह दिनांक 22 की शाम से लापता है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी और सबके द्वारा पूछताछ की गई तो आरोपी ने कहा कि भाई हमने जो है गुमसुदगी दर्ज कराई, इसके अलावा हमने बाबा से पूछा था कि उसकी डेड बॉडी कहाँ और वो कहाँ है अभी, तो उसने बोला जंगल साइड में मिलेगा और एग्जैक्ट पोजीशन पे वो पहुँच गया था, जो दर्शा रहा था कि वो बात जो है तमाम चीज़ें जो कह रहा है वो झूठी है। इससे प्रथम दृष्टया उसके ऊपर शक हुआ। इसके अलावा उसके जो 2 मोबाइल नंबर थे, एक मोबाइल नंबर तो बता रहा था मृतक का भाई, लेकिन दूसरा मोबाइल नंबर नहीं बता रहा था। लेकिन जब धीरे से जब लाश का अंतिम संस्कार हो गया, फिर हमने पूछताछ शुरू की सबसे बारी बारी और तथ्यों का सत्यापन शुरू किया, तो उससे स्पष्ट हुआ कि जो मृतक था सुरेंद्र सिंह, उसका भाई वीरेंद्र सिंह जो है वो जो है अपने बड़े भाई सुरेंद्र और उसकी पत्नी के नाम से बीमा कराया हुआ था और बीमा कराया हुआ था और ये बात उसने छुपाई थी। बीमा की पूरी किस्त वही जमा करता था, उद्देश्य था कि इसी योजना के तहत उसने बीमा कराया था कि इस कुछ समय बाद इसकी हत्या करूँगा और बीमा में जो राशि मिलेगी वो राशि मैं हड़प लूँगा, इसी पर्पज़ से उसने हत्या की थी। और इसकी पूरी योजना उसने 8-9 महीने पहले ही बना ली थी जब उसने बीमा कराया था। उस बीमा की राशि को हड़पने के उद्देश्य से और अपने एक और साथी जिसका नाम चंद्रभान सिंह था, जो धवराज गांव का रहने वाला है, इसको बुलाया। तीनों लोग गए गांव घटनास्थल पे, वहां पे उसने शराब पी थी। मैंने उस समय भी बताया था कि जहां पे गोली मारी गई वहां से कुछ दूर जाके वो गिरा था, तो बात तो सही पाई गई, उसने दारू पीने का क्रम हुआ और इसी दौरान उसको गोली मार दी गई। गोली मारी तो कुछ दूर 4-6 कदम जाके वो फिर वो गिर गया और वहीं पे बेहोश हो गया और मर गया। उसका मोबाइल वगैरह इन्होंने फेंक दिया था कहीं पे, लेकिन घटना में प्रयुक्त कट्टा जो बीमा के संबंधित कागजात थे वो उसके भाई वीरेंद्र सिंह से जब्त हुए हैं और कट्टे की जब्ती जो है एक अन्य स्थान से वीरेंद्र सिंह और चंद्रभान सिंह की निशानदेही पर की जा चुकी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है, आज जहाँ सुनवाई का अच्छा नहीं होगा।